अगर हम बात करें तो लग रहा है कि सस्ते 5G फोन्स आने वाले, क्योंकि पोको जो है ना काफी हद तक वंडरफुल फोन ला रहा है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 8 जून 2021 को पोको M3 Pro 5G लॉन्च होने वाला है। ठीक उसी के 2 दिन बाद वन प्लस भी अपना एक फोन लॉन्च करेगा, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कैसे हो यूपी के लड़के और लड़की हो, आज हम बात करेंगे पोको M3 Pro के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो क्या बोलते हो, आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फोन के प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर है। 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बिल्ड है, 2.2 गीगाहर्ट्ज के स्पीड पर बेस्ट है। साथ ही हम बात कर ले इसके जीपीयू की, तो माली का G52 जीपीयू देखने को मिलता है। अब हम बात कर ले इस फोन के डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 है। अब बात कर ले इसके पिक्सल डेंसिटी की, तो 405 PPI पिक्सल डेंसिटी का रेशियो 20:9 है। अब बात कर ले इसके ब्राइटनेस की, तो 500 nits पीक ब्राइटनेस है। अब हम बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी है, जो 18W फास्ट चार्जर सपोर्ट कर विथ टाइप सी। बारी आती है इस फोन की कैमरा की, तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। 48 MP को प्राइमरी लेंस, 2 MP मैक्रो लेंस, 2 MP का डेप्थ लेंस। साथ ही बात कर ले इस फोन की फ्रंट कैमरा की, तो 8 MP फ्रंट देखने को मिलता है। रुको जरा, सबर करो। अब हम बात कर ले इस फोन के स्टोरेज एंड रैम की, तो 2 वेरिएंट में आता है। पहला है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी, दूसरा 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी, जिसका रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 है। यहाँ पर आप 1 TB मेमोरी एक्सपेंड कर पाएंगे। अब हम बात कर ले इस फोन की कलर की, तो ये 3 कलर्स में मिलेगा। पहला है पावर ब्लैक, दूसरा है कूल ब्लू, तीसरा है पोको येलो। अब हम बात कर लेते हैं इस फोन की एक्स्ट्रा शॉट्स की, तो एंड्रॉयड V11 MIUI वर्जन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। राइट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा, ब्लूटूथ V5.1। बात कर अगर इसके वेट की, तो 190 ग्राम इसका वेट है। फोन में आपको आयर ब्लास्टर देखने को मिलता है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म इंफ्रारेड ब्लास्टर होता है। अगर आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो ये रिमोट की जगह पर काम करता है। आपके घर रिमोट ना हो तो आयर ब्लास्टर का यूज करके आप TV एक्सेस कर पाएंगे। और लास्ट शॉट्स है लाउड स्पीकर। तो फिर मिला जाएगा आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।